दोस्तों, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण हो, ये जो ग्रहण होता है, हिंदू धर्म में चंद्र ग्रहण की अपनी एक अलग मान्यता होती है। आप सबको पता ही होगा, जिसमें कई तरह की बातों का खास ख्याल रखना पड़ता है। ऐसे कई बातें हैं जिसको लेकर कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण हो या फिर सूर्य ग्रहण, जितने भी जो भी मनुष्य के कई बातों है, कई सारे बातें हैं, उसका सारे मनुष्य को खास ख्याल रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें जो है वो आपको चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के समय में नहीं करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें जो है वो आपको करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिए और इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। और लेकिन और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल FM पिक्सल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों, हम लोग बात करते हैं कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सनातन धर्म में ग्रहण को काफ़ी अशुभ माना जाता है, चाहे वह चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो। इस अशुभ समय में भोजन नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान भोजन करने की सख्त मनाही है। कहा यह भी जाता है कि अगर कोई भोजन करता है तो उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा सिर पर तेल भी लगाने की मनाही होती है। आपको बता दें कि वैसे तो ग्रहण के दौरान खाने पीने को लेकर मनाही है, लेकिन बुजुर्ग, छोटे बालक और रोगी को इसमें रियायत दी गई है। ये तीनों ग्रहण से 3 घंटे पहले भोजन कर सकते हैं। इसके अलावा ज्योतिषियों के मुताबिक ग्रहण के समय कीटाणु बहुत ही तेजी से फैलते हैं। ऐसे में भोजन के दौरान किया गया भोजन विष माना जाता है, जिससे आप बीमार हो सकते हैं। साथ ही इस जन्म के साथ साथ अगले कई जन्मों तक पीड़ा भोगना पड़ सकता है। ग्रहण के समय पति और पत्नी को शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। इस दौरान यदि गर्भ ठहर गया तो संतान विकलांग या मानसिक रूप से विक्षिप्त तक हो सकता है। ग्रहण के समय कोई भी शुभ व नया कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे कुछ काम जो कि आपको ग्रहण के समय खास ख्याल रखना चाहिए। ग्रहण के समय ये सब काम से दूरी रहे तो आपके लिए बेहतर होगा। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ ये जो वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।